दास्तान ईमान फरोशों की तारीखी अदब हिस्सा अव्वल मुसन्निफ इनायतुल्लाह अल्तमश पांचवा पाठ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलेबियों के बहरी बेड़े और अफवाज को बहर रूम में गर्क करके सलाहुद्दीन अय्यूबी अभी मिस्र के साहिली इलाके में ही मौजूद था। 7 दिन गुजर गए थे, सलेबियों से तावान वसूल किया जा चुका था, मगर बहर रूम अभी तक बचे कचे बहरी जहाजों को, कश्तियों को निगल और इंसानों को उगल रहा था। सलेबी मल्ला और सफ़ा जलते जहाज़ों से समुंदर में कूद गई थी। दूर समुंदर के वस्त में 7 रोज़ बाद भी चंद एक जहाज़ों के बादबान फड़फड़ाते नजर आते थे। उनमें कोई इंसान नहीं था। फटे हुए बादबानों ने जहाज़ों को समुंदर के रहम व करम पर छोड़ दिया था। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उनकी तलाशी के लिए कश्तियाँ रवाना कर दी थी और हिदायत दे दी थी कि अगर कोई जहाज या कश्ती काम की हो तो वो रस्सों से घसीट लाए, और जो इस काबिल ना हो उनमें से सामान और काम की दीगर चीज़ें निकाल लाए। कश्तियाँ चली गई थी और जहाज़ों से सामान लाया जा रहा था। उनमें ज़्यादातर इसला और खाने पीने का सामान था या लाशें। समुंदर में लाशों का यह आलम था कि लहरें उन्हें उठा उठा कर साहिल पर पटक रही थी। उनमें तो कुछ जली हुई थी और कुछ मछलियों की खाई हुई, बहुत सी ऐसी थी जिनमें तीर पेवस्त थे। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सलेबियों के तीरों, नेज़ों, तलवारों और दीगर इसलाह का मुआयना बड़ी गौर से किया था और उन्हें अपनी इसलाह के साथ रखकर मजबूती और मार का मुकाबला किया था। जिंदा लोग भी तख्तों और टूटी हुई कश्तियों पर तीरते अभी तक समुंदर से बाहर आ रहे थे। उन भूखे प्यासे थके और हारे हुए लोगों को लहरें जहां कहीं साहिल पर ला फेंकती थी वो वहीं निडाल होकर गिर पड़ते और मुसलमान उन्हें पकड़ लाते थे। साहिल की मीलों लंबाई में यही आलम था। सुल्तान अय्यूबी ने अपनी सफा को मिस्र के सारे साहिल पर फैला दिया था और इंतज़ाम किया था कि जहां भी कोई कैदी समुंदर से निकले उसे वही खुश्क कपड़े और खुराक दी जाए, और जो ज़ख्मी हो उनकी मरहम पट्टी भी वही हो जाए। इस एहतमाम के बाद कैदियों को एक जगह जमा किया जा रहा था। सलाहुद्दीन अय्यूबी घोड़े पर सवार साहिली इलाके में घूम फिर रहा था। वो अपने खेमे से कोई 2 मील दूर निकल गया। आगे चट्टानी इलाका आ गया। चट्टानों की एक सिमत समुंदर और अकब में सोहरा था। ये सरसब्ज सोहरा था जहाँ खजूर के अलावा दूसरी इकसाम की सोराही दरख्त और झाड़ियाँ थी। सुल्तान अय्यूबी घोड़े से उतरा और पैदल चट्टानों के दामन में चल पड़ा। मुहाफिज दस्ते के 4 सवार उसके साथ थे। उसने अपना घोड़ा मुहाफिजों के हवाले किया और उन्हें वही ठहरने को कहा। उसके साथ 3 सालार थे, उनमें उसका रफीक खास बाहुद्दीन शिद्दात भी था। वो उस मुआरके से 1 ही रोज़ पहले अरब से उसके पास आया था। उन्होंने भी घोड़े मुहाफिजों के हवाले किए और सुल्तान अय्यूबी के साथ साथ चलने लगे। मौसम सर्द था, समुंदर में तलातुम नहीं था, लहरें आती थी और चट्टानों से दूर ही से वापस चली जाती थी। अय्यूबी टहलते टहलते दूर निकल गया और मुहाफिज दस्ते की नज़रों से ओझल हो गया। उसके आगे पीछे और बाएं तरफ ऊंची नीची चट्टानें और दाएं तरफ साहिल की रेत थी। वो एक चट्टान पर खड़ा हो गया जिसकी बुलंदी 2-2.5 गज थी।
उसने बहरे रूम की तरफ देखा, यूं मालूम होता था जैसे समुंदर की नीलाहट सुल्तान अय्यूबी की आंखों में उतर आई हो। उसके चेहरे पर फतेह व नुसरत की मुसर्रत थी और उसकी गर्दन कुछ ज्यादा ही तन गई थी। उसकी और सालारों की नजरें साहिल पर घूमने लगी, फड़फड़ाने की आवाजें सुनाई दी, फिर हल्की हल्की चीखें और सीटियां सी सुनाई दी। ऊपर से तीन चार गिद्ध पर फैलाए उतरते दिखाई दिए और चट्टान की ओट में जिधर साहिल था उतर गए। अय्यूबी ने कहा, लाशें हैं। उधर गया तो 15-20 गज दूर गिद्ध तीन लाशों को खा रहे थे। एक गिद्ध एक इंसानी खोपड़ी पंजों में दबोच कर उड़ा और जब फिजा में चक्कर काटा तो खोपड़ी उसके पंजों से छूट गई और सलाहुद्दीन अय्यूबी के सामने आ गिरी। खोपड़ी की आंखें खुली हुई थी, जैसे सलाहुद्दीन अय्यूबी को देख रही हो। चेहरे और बालों से साफ पता चलता था कि किसी सलेबी की खोपड़ी है। अय्यूबी कुछ देर खोपड़ी को देखता रहा, फिर उसने अपने सालारों की तरफ देखा और कहा, इन लोगों की खोपड़ियां मुसलमानों की खोपड़ियों से बेहतर है। ये उन खोपड़ियों का कमाल है कि हमारे खिलाफत औरत और शराब की नज़र होती जा रही है। सलेबी चूहों की तरह सल्तनत इस्लामिया को हड़प करते चले जा रहे हैं, एक सालार ने कहा, और हमारे बादशाह उन्हें जजिया दे रहे हैं, शिद्दाद ने कहा। फलस्तीन पर सलेबी काबिज है, सुल्तान क्या हम उम्मीद रख सकते हैं कि हम फलस्तीन से उन्हें निकाल सकेंगे? खुदा की जात से मायूस ना हो शिद्दाद, सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा। हम अपने भाइयों की जात से मायूस हो चुके हैं, एक और सालार बोला। तुम ठीक कहते हो, सुल्तान अय्यूबी ने कहा। हमला जो बाहर से होता है उसे हम रोक सकते हैं। क्या तुम में से कोई सोच भी सकता था कि कुफार के इतने बड़े बहरी बेड़े को तुम इतनी थोड़ी ताकत से नजर आतिश करके डुबो सकोगे? तुमने शायद अंदाजा नहीं किया कि इस बेड़े में जो लश्कर आ रहा था वो सारे मिस्र पर मक्कियों की तरह छा जाता। अल्लाह ने हमें हिम्मत दी और हमने खुले मैदान में नहीं बल्कि सिर्फ घात लगाकर उस लश्कर को समुंदर की तह में गुम कर दिया। मगर दोस्तों, हमला जो अंदर से होता है उसे तुम इतनी आसानी से नहीं रोक सकते। जब तुम्हारा अपना भाई तुम पर वार करेगा तो तुम पहले ये सोचोगे, क्या तुम पर वाकई भाई ने वार किया है? तुम्हारे बाजू में उसके खिलाफ तलवार उठाने की ताकत नहीं होगी। अगर तलवार उठाओगे और अपने भाई से तेग आजमाई करोगे तो दुश्मन मौका गनीमत जानकर दोनों को ख़त्म कर देगा। वो आहिस्ता आहिस्ता साहिल पर चट्टान के साथ साथ जा रहा था, चलते चलते रुक गया, झुक कर रेत से कुछ उठाया और हथेली पर रख कर सबको दिखाया। ये हथेली जितनी बड़ी स्लैब थी जो सियाह लकड़ी की बनी हुई थी। उसके साथ एक मजबूत धागा था। उसने उन लाशों के बिखरे हुए आजा को देखा जिन्हें गिद्ध खा रहे थे, फिर खोपड़ी को देखा जो गिद्ध के पंजों से उसके सामने गिरी थी। वो तेज तेज कदम उठाता खोपड़ी तक गया। तीन गिद्ध खोपड़ी की मलकियत पर लड़ रहे थे। सलाहुद्दीन अय्यूबी को देखकर परे चले गए। सुल्तान अय्यूबी ने सलेब खोपड़ी पर रख दी और दौड़कर अपने सालारों से जा मिला। कहने लगा, मैंने सलीबियों के एक कैदी अफसर से बातें की थी, उसके गले में भी सलेब थी। उसने बताया कि सलेबी लश्कर में जो भी भर्ती होता है उससे सलेब पर हाथ रख कर हल्फ लिया जाता है कि वो सलेब के नाम पर जान की बाजी लगा कर लड़ेगा और वो रूए ज़मीन से आखिरी मुसलमान को भी ख़त्म करके दम लेगा।
इस हल्फ के बाद हर लश्करी के गले में स्लेब लटका दी जाती है। ये स्लेब मुझे रेस से मिली है, मालूम नहीं किसकी थी, मैंने उस खोपड़ी पर रख दी है ताकि उसकी रूह स्लेब के बगैर ना रहे। उसने स्लेब के खातिर जान दी है। सिपाही को सिपाही के हल्फ का एहतराम करना चाहिए। सुल्तान सिद्दाद ने कहा, यह तो आपको मालूम है कि सलेबी यरूशलम के मुसलमान बाशिंदों का कितना कुछ एहतराम कर रहे हैं। वहाँ से मुसलमान बीवी बच्चों को साथ लेकर भाग रहे हैं। हमारी बेटियों की आबरू लूटी जा रही है। हमारे कैदियों को उन्होंने अभी तक नहीं छोड़ा। मुसलमान जानवरों की सी जिंदगी बसर कर रहे हैं। क्या हम उन ईसाइयों से इंतकाम नहीं लेंगे? इंतकाम नहीं, सलाहुद्दीन अयूबी ने कहा, हम फलस्तीन लेंगे, मगर फलस्तीन के रास्ते में हमारे अपने हुक्मरा हाइल है। वो चलते चलते रुक गया और बोला, कुफार ने सलेब पर हाथ रख कर सल्तनत इस्लामिया के खात्मे का हल्फ उठाया है। मैंने अपने अल्लाह के हुजूर खड़े होकर और हाथ अपने सीने पर रख कर कसम खाई है कि फलस्तीन ज़रूर लूँगा और सल्तनत इस्लामिया की सरहद उफक तक ले जाऊँगा, मगर मेरे रफ़ीको, मुझे अपनी तारीख का मुस्तकबिल कुछ रोशन नज़र नहीं आता। एक वक्त तो था कि ईसाई बादशाह थे और हम जंगजू, अब हमारे बुज़ुर्ग बादशाह बनते जा रहे हैं और ईसाई जंगजू, दोनों कौमों का रुझान देखकर मैं कह रहा हूँ कि एक वक्त तो आएगा जब मुसलमान बादशाह बन जाएंगे मगर ईसाई उन पर हुकूमत करेंगे। मुसलमान इसी में बदमस्त रहेंगे कि हम बादशाह है, आज़ाद है, मगर वो आज़ाद नहीं होंगे। मैं फलस्तीन ले लूँगा, मगर मुसलमानों का रुझान बता रहा है कि वो फलस्तीन गुनवा बैठेंगे। ईसाइयों की खोपड़ी बड़ी तेज है। 50,000 सौडानी लश्कर को कौन पाल रहा था? हमारी खिलाफत अपनी आस्तीन में नाजी नाम का सांप पालती रही है। मैं पहला अमीर मिस्र हूँ जिसने देखा है कि ये लश्कर हमारे लिए न सिर्फ बेकार है बल्कि खतरनाक भी है। अगर नाजी का खत पकड़ा न जाता तो आज हम सब उस लश्कर के हाथों मारे जा चुके होते या उसके कैदी होते। अचानक हल्का सा जन्नाटा सुनाई दिया और एक तीर सलाहुद्दीन अयूबी के दोनों पांवों के दरमियान रेत में लगा। जिधर से तीर आया था उस तरफ सुल्तान अयूबी की पीठ थी। सालारों में से भी कोई उधर नहीं देख रहा था, सब ने पिदक कर उस तरफ देखा जिधर से तीर आया था। उधर नौकेली चट्टाने थी। तीनों सालार और सलाहुद्दीन अयूबी दौड़कर एक ऐसी चट्टान की ओट में हो गए जो दीवार की तरह उमूदी थी। उन्होंने तवक्कुह की थी कि और भी तीर आएंगे। तीरों के सामने मैदान में खड़े रहना कोई बहादुरी नहीं थी। शिद्दाद ने मुंह में उंगलियां रख कर जोर से सीटी बजाई। उनके घोड़ों की सर पर टापू सुनाई दी। उसके साथ ही तीनों सालार उस तरफ दौड़ पड़े जिस तरफ से तीर आया था। वो बिखर कर चट्टानों पर चढ़ गए। चट्टानें ज्यादा ऊंची नहीं थी। सलाहुद्दीन अयूबी भी उनके पीछे गया। एक सालार ने उसे देख लिया और कहा, सुल्तान आप सामने ना आए, मगर सुल्तान अयूबी रुका नहीं, मुहाफिज पहुंच गए। सलाहुद्दीन अयूबी ने उन्हें कहा, हमारे घोड़े यहीं छोड़ दो और चट्टानों के पीछे जाओ। उधर से एक तीर आया है, जो कोई नजर आए उसे पकड़ लाओ। सुल्तान अयूबी चट्टान के ऊपर गया तो उसे ऊंची नीची चट्टाने दूर दूर तक फैली हुई नजर आई। वो अपने सालारों को साथ लिए पिछली तरफ उतर गया।
और हर तरफ घूम फिर कर और चट्टानों पर चढ़ कर देखा, किसी इंसान का निशान तक नजर न आया। मुहाफिज चट्टानी इलाकों के अंदर ऊपर और इधर उधर घोड़े दौड़ा रहे थे। सलाहुद्दीन अयूबी नीचे उतर के वहां गया जहां रेत में तीर गड़ा हुआ था। उसने अपने रफीकों को बुलाया और तीर पर हाथ मारा, तीर गिर पड़ा। सुल्तान अयूबी ने कहा, दूर से आया है इसलिए पाँव में लगाए, वरना गर्दन या पीठ में लगता। रेत में भी ज्यादा नहीं उतरा। उसने तीर उठाकर देखा और कहा, सलेबियों का है, हशीशैन का नहीं। सुल्तान की जान खतरे में है, एक सालार ने कहा, और हमेशा खतरे में रहेंगी। सलाहुद्दीन अयूबी ने हंसकर कहा, मैं बहरे रूम में कुफार की वो कश्तियां देखने निकला था जो मल्लाहों के बगैर डोल रही है, मगर मेरे अजीज दोस्तों, कभी न समझना कि सलीबियों की कश्ती डोल रही है। वो फिर आएंगे, घटाओं की तरह गरजते आएंगे और बरसेंगे भी, लेकिन वो जमीन के नीचे से और पीठ के पीछे से भी वार करेंगे। हमें अब सलीबियों से ऐसी जंग लड़नी है जो सिर्फ फौजें नहीं लड़ेंगी। मैं जंगी तरबियत में एक इजाफा कर रहा हूँ। ये फन हर्ब व ज़र्ब का नया बाब है, उसे जासूसों की जंग कहते हैं। सुल्तान अयूबी तीर हाथ में लिए घोड़े पर सवार हो गया और अपने कैंप की तरफ चल पड़ा। उसके सालार भी घोड़ों पर सवार हो गए। उनमें से एक ने सुल्तान के दाएं तरफ अपना घोड़ा कर लिया, एक ने बाएं को, और एक ने अपना घोड़ा उसके बिल्कुल पीछे और करीब रखा ताकि किसी भी तरफ से तीर आए तो सलाहुद्दीन अयूबी तक न पहुंच सके। सलाहुद्दीन अयूबी ने उस तीर पर जरा सी भी परेशानी का इजहार न किया जो किसी ने उसे कत्ल करने के लिए चलाया था। अपने रफीक सालारों को अपने खेमे में बैठाए हुए वो बता रहा था कि जासूस और शब खून मारने वाले दस्ते किस कदर नुकसान करते हैं। वो कह रहा था, मैं अली बिन सुफियान को एक हिदायत दे चुका हूँ, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हो सका क्योंकि फौरन ही मुझे इस हमले की खबर मिली और अमल दर आमद धरा रह गया। तुम सब फौरी तौर पर यूं करो कि अपने सिपाहियों और उनके ओहदेदारों में से ऐसे अफराद मुंतखब करो जो दफाई और जिस्मानी लिहाज से मजबूत और सेहतमंद हो, बारीक बीन, दूर अंदेश, कुव्वत फैसला रखने वाले जांबाज किस्म के आदमी चुनो। मैंने अली को ऐसे आदमियों की जो सिफात बताई थी वो सब सुन लो। उनमें ऊंट के मादिन ज्यादा से ज्यादा दिन भूख और प्यास बर्दाश्त करने की कुव्वत हो, चीते की तरह झपटना जानते हो, उकाब की तरह उनकी नजरें तेज हो, खरगोश और हिरन की तरह दौड़ सकते हो, मसला दुश्मन से हथियार के बगैर भी लड़ सके, उनमें शराब और किसी दूसरी नशा आवर चीज की आदत ना हो, किसी लालच में ना आए, औरत कितनी ही हसीन मिल जाए और जर व जोहरात के अंबार उनके कदमों में लगा दिए जाए, वो नजर अपने फर्ज पर रखे। अपने दोस्तों और उनके कमानदारों को खास तौर पर जहीन नशीन करा दे कि ईसाई बड़ी ही खूबसूरत और जवान लड़कियों को जासूसी के लिए और फौजों में बेइत्मीनानी फैलाने के लिए और अस्करियों को जज्बे के लिहाज से बेकार करने के लिए इस्तेमाल कर रहे। मैंने मुसलमानों में यह कमजोरी देखी है कि औरत के आगे हथियार डाल देते हैं। मैं मुसलमान औरत को इन मकासिद के लिए दुश्मन के इलाके में कभी नहीं भेजूंगा। हम असमतों के मुहाफिज हैं, असमत को हथियार नहीं बनाएंगे। अली बिन सुफियान ने चंद एक लड़कियां रखी हुई है
लेकिन वो मुसलमान नहीं और वो ईसाई भी नहीं, मगर मैं औरत का कायल नहीं। मुहाफिज दस्ते का कमांडर खैमे में आया और इत्तला दी कि मुहाफिज कुछ लड़कियों और आदमियों को साथ लाए। सुल्तान अय्यूबी बाहर निकला, उसके तीनों सालार भी साथ थे। बाहर पांच आदमी खड़े थे जिनके लंबे चुग्गे, दस्तारे और डेल डूल बता रही थी कि ताजिर है और सफर में है। उनके साथ सात लड़कियां थी, सातों जवान थी और एक से एक बढ़कर खूबसूरत। उन मुहाफिजों में से एक ने, जो सुल्तान पर तीर चलाने वाले की तलाश में गए थे, बताया कि उन्होंने तमाम इलाका छान मारा, उन्होंने कोई आदमी नजर नहीं आया। दूर पीछे गए तो ये लोग तीन ऊंटों के साथ डेरा डाले हुए थे। क्या उनकी तलाशी ली है? एक सालार ने पूछा। ली है, मुहाफिज ने जवाब दिया। ये कहते हैं कि ताजिर है, उनका सारा सामान खुलवा कर देखा है, जामा तलाशी भी ली है। उनके पास इन खंजरों के सिवा और कोई हथियार नहीं। उसने पांच खंजर सुल्तान अय्यूबी के कदमों में रख दिए। हम मराकिश के ताजिर है, एक ताजिर ने कहा, सिकंदरिया तक जाएंगे, दो रोज गुजरे, हमारा कयाम यहाँ से 10 कोस पीछे था। परसों शाम ये लड़कियाँ हमारे पास आई, उनके कपड़े भीगे हुए थे। उन्होंने बताया कि ये सिसली की रहने वाली है, उन्हें ईसाई फौज का एक कमांडर घरों से पकड़कर साथ ले आया है और एक बहरी जहाज में जा सवार किया। उनके माँ बाप गरीब है, ये कहती है कि बेशुमार जहाज और कश्तियाँ चल पड़ी, लड़कियों वाले जहाज में चंद और कमांडर किस्म के आदमी थे और उनकी फौज भी थी, वो सब उन लड़कियों के साथ शराब पीकर ऐश व इशरत करते रहे। उस साहिल के करीब आए तो जहाज़ों पर आग के गोले गिरने लगे, तमाम लोग जहाज़ों से समुंदर में कूदने लगे। इन लड़कियों को उन्होंने एक कश्ती में बैठा कर जहाज से समुंदर में उतार दिया। ये बताती है कि उन्हें कश्ती चलानी नहीं आती, कश्ती समुंदर में डोलती और भटकती रही, फिर एक रोज खुद ही साहिल से आ लगी। हमारा कयाम साहिल के साथ था, ये हमारे पास आ गई, बहुत ही बुरी हालत में थी, हमने उन्हें पनाह में ले लिया। उन्हें हम दुत्कार नहीं सकते थे, हमें कुछ समझ नहीं आ रही थी कि उनका क्या करे। पिछले पड़ाव से यहाँ तक उन्हें साथ लाए हैं, ये सवार आ गए और हमारे सामान की तलाशी लेने लगे। हमने उनसे तलाशी की वजह पूछी तो उन्होंने बताया कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अमीर मिस्र का हुक्म है। हमने उनकी मन्नत समाजत की कि हमें अपने सुल्तान के हुजूर ले चलो, हम अर्ज करेंगे कि उन लड़कियों को अपनी पनाह में ले ले, हम सफर में है, उन्हें कहाँ कहाँ लिए फिरेंगे। लड़कियों से पूछा तो वो सिसली की जबान बोल रही थी, वो डरी डरी सी लगती थी। उनमें से दो तीन इकट्ठी ही बोलने लगी। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ताजिरों से पूछा कि उनकी जबान कौन समझता है। एक ने बताया कि सिर्फ मैं समझता हूँ, ये इल्तिजा कर रही है कि सुल्तान उन्हें पनाह में ले ले। कहती है कि हम ताजिरों के काफले के साथ नहीं जाएंगे, कहीं ऐसा ना हो कि रास्ते में डाकू हमें उठा कर ले जाए। इधर जंग भी हो रही है, हर तरफ ईसाइयों और मुसलमानों के सिपाही भागते दौड़ते फिर रहे हैं। हमें सिपाहियों से बहुत डर आता है, हमें जब घरों से उठाया गया था तो हम सब कुंवारी थी। उन फौजियों ने बहरी जहाज में हमें तवाइफे बनाए रखा है। एक लड़की ने कुछ कहा तो उसकी जबान जानने वाले ताजिर ने सुल्तान अय्यूबी से कहा, ये कहती है कि हमें मुसलमानों के बादशाह तक पहुंचा दो,
हो सकता है उसके दिल में रहम आ जाए। एक और लड़की बोल पड़ी, उसकी आवाज रुंधियाई हुई थी। ताजिर ने कहा, यह कहती है कि हमें ईसाई सिपाहियों के हवाले न किया जाए, मैं मुसलमान हो जाऊंगी बशर्ते कि कोई अच्छी हैसियत वाला मुसलमान मेरे साथ शादी कर ले। दो तीन लड़कियां पीछे खड़ी मुंह छुपाने की कोशिश कर रही थी, उनके चेहरों पर घबराहट थी, बात करते शर्माती या डरती थी। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ताजिर से कहा, उन्हें कहो कि ये ईसाइयों के पास नहीं जाना चाहती, हम उन्हें इस्लाम कबूल करने पर मजबूर नहीं कर सकते। ये लड़की जो कह रही है कि मुसलमान हो जाएगी बशर्ते कि कोई मुसलमान उसके साथ शादी कर ले, उसे कहो कि मैं उसकी पेशकश कबूल नहीं कर सकता, क्योंकि ये खौफ और मजबूरी के आलम में इस्लाम कबूल करना चाहती है। उन्हें बताओ कि उन्हें मुझ पर एतमाद है तो मैं उन्हें इस्लाम की बेटियों की तरह पनाह में लेता हूँ, अपने दारुल हुकूमत में जाकर ये इंतज़ाम कर दूंगा कि उन्हें ईसाई राहिबों या किसी पादरी के पास भिजवा दूंगा, पादरी यरूशलम में होंगे। दूसरी सूरत ये है कि जब ईसाई कैदियों को आज़ाद किया जाएगा तो मैं कोशिश करूंगा कि उनकी शादियां काबिल एतमाद और अच्छी हैसियत के कैदियों के साथ कर दूं। उन्हें ये भी बता दो कि किसी मुसलमान को उनसे मिलने की इजाज़त नहीं होगी और ना उन्हें इजाज़त होगी कि किसी मुसलमान से मिले, उनकी ज़रूरियात और इज्जत का ख्याल रखा जाएगा। ताजिर ने लड़कियों को उनकी ज़बान में सुल्तान अय्यूबी की सारी बातें बताईं तो उनके चेहरों पर रौनक आ गई, वो इन शराइत पर रजामंद हो गई। ताजिर शुक्रिया अदा करके चले गए। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने लड़कियों के लिए एक अलग खैमा लगाने और खैमे के बाहर हर वक्त एक संतरी मौजूद रहने का हुक्म दिया। वो खैमे की जगह बताने ही लगा था कि 6 सलेबी कैदी सुल्तान अय्यूबी के सामने लाए गए। वो बहुत ही बुरी हालत में थे, उनके कपड़े भीगे हुए थे, कपड़ों पर खून भी था, रेत भी, उनके चेहरे लाशों के मानिंद थे। उनके मुतालिक बताया गया कि 1.5-2 मील दूर साहिल पर बेसुध पड़े थे, वो टूटी हुई कश्ती पर तीर रहे थे। एक दिन कश्ती पानी भर जाने से डूब गई, ये सब तीर कर साहिल तक पहुँचे। कश्ती में 22 आदमी सवार हुए थे, सिर्फ ये 6 जिंदा बचे हैं। उनसे चला नहीं जाता था, ये सलेबी लश्कर के सिपाही थे। ये सब धड़ाम से बैठ गए, उनमें से एक चेहरे मोहरे से लगता था कि मामूली सिपाही नहीं है, वो कराह रहा था। उसके कपड़ों पर खून का एक धब्बा भी ना था, मगर जख्मियों से ज्यादा तकलीफ में मालूम होता था। उसने 7 लड़कियों को गौर से देखा और फिर कराहने लगा। सलाहुद्दीन अय्यूबी का हुक्म था कि हर एक कैदी उसे दिखाया जाए। चूंकि कैदी अभी तक समुंदर से बच बच कर निकल रहे थे, इसलिए हर एक कैदी सुल्तान अय्यूबी के सामने लाया जाता था। उसने उन कैदियों को भी देखा, किसी से कोई बात न की। अलबत्ता उस कैदी को जो सबसे ज्यादा करा रहा था और जिसके जिस्म पर कोई जख्म ना था, सुल्तान ने गौर से देखा और आहिस्ता से अपने सालारों से कहा, अली बिन सुफियान अभी तक नहीं आया, इन तमाम कैदियों से जो अब तक हमारे पास आ चुके हैं बहुत कुछ पूछना है, उनसे मालूमात लेनी है। उसने उस कैदी की तरफ देखकर कहा, यह आदमी कमांडर मालूम होता है, उसे नज़र में रखना है। जब अली बिन सुफियान आए तो उसे कहना कि इससे तफसीली पूछ गछ करे, मालूम होता है उसे अंदर की चोटें आई है, शायद पसलियाँ टूटी हुई है,
उन्हें फौरन जख्मी कैदियों के खैमों में पहुंचा दो, उन्हें खिलाओ पिलाओ और उनकी मरहम पट्टी करो। कैदियों को उस तरफ ले जाया गया जिस तरफ जख्मी कैदियों के खैमे थे। लड़कियां उन्हें जाता देखती रही, फिर उन लड़कियों को भी ले गए। मोहतरम प्यारे नाजरीन, दास्तान का पांचवा पार्ट मुकम्मल हुआ। कोई गलती या शिकायत करनी हो तो प्लीज कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन ऑल पर करें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर वीडियो पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में।